किसान ट्रैक्टर सैन चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं घोल में अर्जुन नोवो एसी केबिन मास के रोटावेटर 8 फुट का। अभी अभी एंट्री हुई है खेत में। एक दिन इसका माइलेज का टेस्ट निकालूंगा भैया आपके सामने, वीडियो ऑन रिकॉर्ड बनेगी जिस दिन इसके माइलेज का टेस्ट बनाऊंगा। ये तारों की बाउंड्री है, उस साइड में जाते हैं। अर्जुन नोवो 605 एसी केबिन 8 फीट का रोटावेटर है। मास्कियो का 56 ब्लेड 56 ब्लेड। चलिए चलते हैं ट्रैक्टर के पास में। पानी कुछ ज़्यादा है और खेत भी ज़्यादा गीला है, तो मैं आपको पैर दिखाता हूँ अपने। कम से कम 1.5 फीट की गहराई में पैर जा रहा है भाई, कम से कम 1.5 फीट। माइलेज की भी वीडियो बनाऊंगा एक दिन। देखो लोग कहते हैं कि लोड फ्री चलता है, लेकिन जो किराए वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, 4 इंची पर रोटावेटर चलाएंगे और ऊपर ऊपर अपने जो है जुताई करिए और वो चलते बने। लेकिन नहीं, हमारा खुद का खेत है तो हमारा किराए का कोई काम नहीं है भाई। इस खेत में भी, पानी के खेत में भी ट्रैक्टर बंद होने की नौबत आ रही है। 57 एचपी 8 फीट का रोटावेटर मास्कियो का। मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। लोग कहते हैं कि लोड फ्री अपने हाथ में है, लोड फ्री चलाना, ऊपर ऊपर लोग जुताई करके चले जाते हैं चूतिया बना के किसान को, लेकिन ऐसा है नहीं सच्चाई में। कम से कम 1.5 फीट से ज़्यादा ज़मीन में लगा हुआ है रोटावेटर। 1.5 फीट तो वैसे भी लगा देते हैं हम, 1.5 फीट से ज़्यादा जुताई में। देखिए अभी पानी नहीं गया इसमें। जो किराए के लोग, किराए की जुताई होती है वो लोग 4 इंची की जुताई होती है, उसमें रोटावेटर ऊपर ऊपर दिखाया और देखो लोड फ्री चल रहा है। अब देखो इसमें ट्रैक्टर बिल्कुल बंद होने की नौबत आ गई, फुल लोड पे है, 1 फीट कम से कम लगा हुआ है रोटावेटर। कुछ अप डाउन हमें लेना पड़ रहा है ट्रैक्टर बंद ना हो। कीचड़ में भी 1 फीट की जुताई में देखो बंद होने की नौबत आ रही है ट्रैक्टर। लोग दिखाते हैं कि नहीं रोटावेटर बहुत सिंपल है, 4 इंची की जुताई होती है और ट्रैक्टर लोड फ्री चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो किराए का काम करते हैं वो लोग 4 इंची की जुताई करेंगे, ये बात सही है, लेकिन अगर किसान खुद अपने खेत में बढ़िया तरीके से जुताई करेगा तो कम से कम 1 फीट की जुताई जाएगी इसकी, जिससे जमीन में जो फसा जो घास है, आड़ कबाड़ है, वो सही से जुत जाए, जो दोबारा से मुझे धान के खेत में जमे ना। फुल लोड पे 2000 आरपीएम पे 2200 आरपीएम पे
उसके बाद भी ट्रैक्टर जो है बंद होने की नौबत आ रही है, फुल लोड पे है। देखो दब गया, एसी केबिन में 8 फीट का रोटावेटर है, मास्कियो का, जर्मन की टेक्नोलॉजी है रोटावेटर की, 56 ब्लेड में। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये दब रहा है, 8 फीट का रोटावेटर है और ये गलत है, लेकिन नहीं, ये जो किराए का काम करेगा वो चलाएगा ऊपर ऊपर, ओनली 4 इंच की जुताई करेगा। आज मैं 1 साल में अपने ट्रैक्टर की वीडियो डाल रहा हूँ। मास्कियो का रोटावेटर है, 8 फीट का है, फुल लोड। देखो दब गया ट्रैक्टर मोड़ पे आके, 1 से 1.5 फीट दबा हुआ है ट्रैक्टर, रोटावेटर 1 से 1.5 फीट लगा हुआ है जमीन में। मैं आपको किनारे दिखाता हूँ, अभी तक पानी नहीं आया है इसमें। ये जमीन इधर की ऊपर है, ये नीचे है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बोला है कि भाई खुल खोल के लगा, फुल खोल के लगाओ, जो काम 2 बेर में होना है वो हमें 1 बेर में होना चाहिए, कहने का मतलब। ये पानी आ रहा है इस साइड से, इतनी गहराई से जुताई हो रही है इसकी, ये पानी उस लाइन का पानी उधर जा रहा है, इस लाइन का पानी इधर आ रहा है, जो हलाई हमने नहीं ली है, ये आ गया पानी, उस हलाई का पानी उधर जाएगा, इस हलाई का पानी इधर आएगा। तो इतनी गहराई से जुताई हो रही है 1 से 1.5 फीट की। इसकी अगली जो वीडियो आएगी किसान भाइयों एसी केबिन में, वो माइलेज की आएगी, टंकी फुल करके, बिल्कुल टंकी फुल होने के बाद में उसके बाद चलाऊंगा इसको, और 30 मिनट की वीडियो आएगी, 30 मिनट में जो भी तेल लेगा वो आपके सामने होगा वीडियो में। अभी तक तो कोई मेंटेनेंस नहीं है किसान भाइयों एसी केबिन का। हाँ ये बात है, एसी केबिन की साफ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए, जिससे एसी केबिन की जो कॉयल है वो ब्लॉक ना हो, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें, फ्लोर पे मैट पे धूल मिट्टी हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। लोग कहेंगे भाई इतना लोड क्यों मानना है, हमने फुल डाउन पे चला रखा है। जो लोग किराए का काम करते हैं वो लोग चलाते हैं 4 इंची की जुताई पे, ओनली 4 अंगल लगाएंगे, बाकी हमारा जो जुताई में लगता है फुल लगा हुआ है। देखो पीछे पानी नहीं है, उस साइड की हलाई अलग है, वो अलग दिख रही है, ये इतनी गहराई है इसकी, 1 बेर में 3 बेर की जुताई खत्म। देखो पानी आना स्टार्ट हुआ है इसमें, इतनी गहराई से इसमें जुताई हो रही है, 1 से 1.5 फीट की।